इस बेटे बरी उभा मांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा कुंडलिका बेटी पर ब्रह्मा आलेंगा चरणी बाहे धीमा उत्तरी जगा जय देव जय देव जय देव। क्या हुआ बहनी, आप पुष्कर क्यों रखे? पहुँच कर बताऊंगी। ईशान सर और सभी दोनों अपने अपने कमर पर हाथ रख के ईंट पर खड़े थे और उसी वक्त विट्ठल रखुमाई की आरती भी शुरू हो गई। तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि जैसे ईशान सर और सभी दोनों विट्ठल रखुमाई हैं। क्या बात कर रही है आप बहन? सच अश्विनी, पिछली बार सभी के लिए लड़का ढूंढने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज मैंने जो देखा और महसूस किया उसके बाद मेरा दिल बस यही कह रहा है कि काश ईशान सर और सभी विट्ठल रखुमाई बन जाए। अजी चला भवानी जी, आइए आइए। नमस्कार, माफ कीजिएगा आने में देर तो नहीं होगी? नहीं नहीं भवानी जी, इतनी भी देर नहीं हुई है, अभी तो सब लोग आ ही रहे हैं। ईशान सर, कैसी लगी आपको सजावट? ये जो बैनर है ना, मैंने खुद बनवाया है सभी के लिए, कैसा लगा? जी बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आइए। हाँ, चलो आज। भवानी जी, अश्विनी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मुबारक हो। अरे सुधा, कहाँ थी इतने दिनों से? हाँ, मैं जानती हूँ सर, आपके हिसाब से मैं इस सब की हकदार नहीं, आपको तो ये सब मजाक लग रहा होगा, है ना? मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ यहाँ पे कि लोग आपको ऐसे अकेले ही अकेले मुस्कुराते हुए देखे ना, हिला हुआ ना समझे, तो आप ये मन ही मन मुस्कुराना बंद कर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, ये बैनर देख के तो किसी को भी हंसी आएगी। ओह ऐसा है, वो अच्छी बात है ना सर, एटलीस्ट मेरे वजह से आपके चेहरे पे हंसी तो आई, किसी को रुलाने से तो बहुत बेटर। मुझे कैमरे में तो कैद कर लिया सभी, बस थोड़ी देर और फिर तुझे हमेशा के लिए कैद करके ले जाएगा ये समृद्ध लाठकर।